जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो 20 अगस्त को ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन में ज्ञापन सौंपा गया था, उस ज्ञापन में कौन कौन सी नई ट्रेनों के प्रस्ताव रखे गए और साथ ही मंडला से नए रेल मार्गों को निकालने के लिए भी प्रस्ताव रखे गए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं आखिर कितने प्रस्ताव दिए गए और किन किन प्रस्तावों पर अमल किया जा सकता है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रस्ताव, मंडला से जबलपुर के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन की मांग की गई है जिसकी टाइमिंग बहुत ही अच्छी रखी गई है, जिसे मंडला से सुबह 6 बजे जबलपुर के लिए और शाम को 6 बजे जबलपुर से मंडला के लिए चलाया जाए, जिससे कि आम आदमी डेली अप डाउन कर सकेगा और साथ ही हाईकोर्ट एवं व्यापार से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर रात को अपने घर पहुँच सकेंगे। अब देखिए दूसरा प्रस्ताव, जिसमें एक ट्रेन सुबह मंडला से 8 बजे गोंदिया नागपुर के लिए प्रारंभ की जाए। इससे मंडला से नागपुर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही इलाज कराने संबंधित कार्य भी समय से पूर्ण हो पाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रस्ताव, जिसमें एक ओवरनाइट ट्रेन की मांग रखी गई है जो कि शाम 6 बजे मंडला से भोपाल के लिए रवाना हो, जिससे यात्री सुबह भोपाल पहुंचकर राजनीतिक, व्यापारिक, शासकीय एवं अन्य कार्य कर सकेंगे और शाम को मंडला वापस प्रस्थान कर सकेंगे। दोस्तों ये तो थे कुछ नए ट्रेनों के प्रस्ताव जो कि काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। अब देखिए मंडला से नई रेल लाइन निकालने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं, चलिए जानते हैं। पहला प्रस्ताव, मंडला से घनसौर 30 किलोमीटर का नया रेल मार्ग निकाला जाए। दोस्तों दूसरा प्रस्ताव, मंडला से छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए रायपुर रोड पर सबसे निकट स्टेशन बोडला रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी मात्र मंडला से 90 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ा जा सकता है, जिससे आदिवासियों को सुलभ और सस्ती रेल सेवा मिल सकेगी। दोस्तों मंडला से नई रेल लाइन निकालने के लिए ये प्रस्ताव रखे गए हैं और एक प्रमुख मांग भी शामिल है, अमान रेल परिवर्तन में जिन किसानों की भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई है उनके परिजनों को मुआवजा स्वरूप रेलवे विभाग में परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा शीघ्र पूरा किया जाए। दोस्तों नई ट्रेनों के प्रस्ताव को देखें तो ये बहुत हद तक सही साबित होते हैं और इनमें जरूर से अमल भी होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बता दूं मंडला से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पूरी तरह से लोकल ट्रेनों के लिए बना हुआ है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर देखी जा सकती है, जो कि किसी भी सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्रतिकूल है, लेकिन भविष्य में प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया जाएगा तभी एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का परिचालन मंडला से संभव हो सकेगा, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अभी यह मुमकिन नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है किन किन प्रस्तावों पर अमल किया जाएगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।